हेलो फ्रेंड, ये मेरे फेल्डेंड्रॉन की कटिंग का एक पौधा है जो इसमें बहुत अच्छा चल रहा था। मैं कई दिन से सोच रहा था इसकी बेस्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग क्या हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो मिक्सचर था वो बिल्कुल लूज ड्रेन का मैंने रखा था, लूज सॉइल और वेल ड्रेन मैंने रखा था। अगर मैं इसमें से इसको शिफ्ट करता सॉइल के साथ, यानी सॉइल को निकालने की कोशिश करता, तो आई थिंक वो सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं थी और वो उसके बाद वो भुरभुरी होती है और वो फिर सब निकल जाती है और उसकी जो रूट्स हैं वो एक्सपोज हो जाती है। और उसके बाद मैं उसको कम्पैक्ट करना, अपनी जगह पकड़ना रूट्स के लिए प्रॉब्लम होना था, टाइम भी लगना था, क्योंकि मैं इसको इसी कंडीशन में रखना चाहता हूँ कि इसके देखें ये ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव भी होता है। मैंने पहले भी बहुत कोशिश की है कि कटिंग से इसको हो जाता है, चलता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि इसका क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस पूरी नहीं हो पाती, यानी कि तो सही जिसको कहना चाहिए जवान नहीं होता, तो ये फिर ख़त्म हो जाता रहा। मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, हार्ट लेवल्स के होते हैं, तो ये मैं सोचा था आज अभी इस वक्त रात के कुछ 11:30 बजे, क्योंकि मैं प्लांट्स लवर हूँ और मुझे जब तक मैं प्लांट से बातें ना कर लूँ, उनको ना देख लूँ, तो जब तक मुझे नींद नहीं आती। और फिर कोई जो मेरा एक जो हार्ड टास्क होता है वो मैं ऐसे वक्त करता हूँ जब बिल्कुल फ्री और कोई सन्नाटा होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसका बेस्ट वे टू रिपोर्ट का क्या हुआ, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इसको, वर्णन में दिखाता हूँ। अभी देखें, ये पोर्ट इस तरह से था, जैसा ये है, समझे? इसका मैंने इसके नीचे से ये काटा, इसका इसमें से काटा और इसको मैंने पोटिंग इससे, इसकी मैंने पोटिंग बनाई जो पत्तों की खाद और कोकोपीट, ये मैंने इसमें कोकोपीट शाम से भिगो रखा था और आज भी इस वक्त निकाला मैंने इसको, वो मिलाया। और इसमें एग शेल, ये आपको महसूस हो रहे होंगे, इसमें नहीं, इसमें यहाँ मैंने डाले हैं इसको, पहले थोड़े थोड़े से इसमें बचा था, इसमें एग शेल मिला करके और थोड़ा सा जो मेरे पास ड्राई हुआ हुआ बनाना, यानी केले के छिलके हैं, उनको थोड़ा सा मैंने मिला गया बनाया, क्योंकि मैंने इसकी पोर्ट की ये इसकी कहना चाहिए तली इस तरह की इसकी मैंने निकाल दी। इसके अंदर पहले मैंने कुछ भर लिया, पोटिंग भर ली पूरी पूरी, उसको फिर मैंने रखा। फिर प्लस साथ में इसको मैंने साइड से, ये आपने बुलाएगा, ये मैंने इसको काट दिया। अभी कुछ मैंने इसमें भरी उल्टी, कुछ ये साइड में मैंने भर दी, जैसे अभी साइड में भरी हुई है, सब जैसे सब जगह पर भरी हुई है। ये भर दिए इसको, कि अभी ये मैंने हैंगिंग के लिए तैयार करना है, हैंगिंग के लिए। तो अब इससे क्या हुआ, अब ये सेफ है, जैसे इसमें है जो कत हुई इसमें आ गया, ना तो इसको कोई हवा लगने का तसव्वुर, ना इसकी कोई रूट्स किसी तरह से कोई डिस्टर्ब नहीं हुए, कोई रूट्स के डिस्टर्ब नहीं हुए। और ये इस पोर्ट में भी चला गया, इसमें भी चला गया। अब आगे क्या होगा, ये थोड़ा सा गीला है, ये भी ये बचा था, मैंने इसको ऊपर डाल दिया है। अब ये होगा कि इसको अभी नहीं, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जब चाहूँगा मैं
15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, जब भी, क्योंकि अब इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे इस पोर्ट को पकड़ लेगी, इसको इसके अंदर आ जाएगी सब, और जैसे ये प्रॉपर न्यूट्रॉन्स भी लेने शुरू कर देगी और इसके अंदर से, यहाँ ये अपनी जगह यहाँ तक मैंने इसको यहाँ तक ये भरा ऑलरेडी, ये पोर्ट छोटा है, इतना होगा इससे भी छोटा, और नीचे से ये निकाल दिया इसका, तो अब इसकी रूट्स और ये नीचे इसकी मिट्टी और इसकी मिट्टी मिल जाएगी, रूट्स कहीं डिस्टर्ब भी नहीं हुआ इसके, और चीज़ें भी डिस्टर्ब भी नहीं हुई, लेकिन ये वैसा हो सकता था मैं जानता हूँ, मगर उसमें ये है कि अगर कॉम्पैक्ट हो, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इसको ये बेस्ट वे जो मेरे जहन में आया है ये, अब ये मेरे लिए सेफ है, जब ये बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको खींच लूँगा ये ऐसे ऊपर ऐसे, तो ये सारी ये जो साइडों पे मिट्टी है और इसकी मिट्टी है बिल्कुल ये होगी, और फिर आराम से मैं थोड़ा सा और इसकी जो गैप होगा वो भर दूँगा, और ये ऐसे ही बगैर किसी भी डिस्टरबेंस के चलता रहेगा, ना इसे रिपोर्टिंग स्ट्रेस आएगा, ना इसे रिपोर्टिंग स्ट्रेस आएगा, ना किसी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये मेरा बिल्कुल सेफ रहेगा, अभी जितना भी भर जाए, अभी मेरा अपना जो एम था वो तो मेरा हुआ मुकम्मल, मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मैं जब चाहूँगा इसको इसमें से निकाल दूँगा, और उसके बाद ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा प्रॉपर 100%, अभी समझिए तकरीबन 80% इसमें है, क्योंकि ये सिर्फ ये गैप है इसका ये। अरे उम्मीद है आप मेरे मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, और ये हो गया होगा सही, ये देखें खूबसूरत फिल्डन रन हार्ट, समझ गए होंगे, ये सबसे सेफेस्ट रिपोर्टिंग का एक टिप है जो मेरा दिल चाहा कि मैं अपने फ्रेंड से, अपने व्यूअर से शेयर करूं। अब अगर कभी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, कोई है किसी तरह के स्ट्रेस का या कोई और अप्रोच चाहते हैं, तो ये तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर ये मेरी टिप्स, ये मेरा आइडिया मेथड, ये मैंने कहीं से नहीं लिया, ये मेरा अपना जहन का है जो अभी रिसेंटली ही आया, एकदम से मैं सोचता रहा कैसे कैसे करूँ, तो मेरे जहन में यही आया, तो मैं इस पर मैंने ये एक्शन कर दिया, मैंने अमल कर दिया इस पर। तो अगर ये कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या ये आइडिया ठीक लगा और ये कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये कोई चीज़ आए, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में या इस यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल नया हूँ, और वैसे प्लांट्स का मुझे एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है, मेरा बड़ा शौक है, बड़ा शौक नहीं बल्कि क्रेज़ है, हैंड पे मैं बात करता हूँ, ये बहुत सारी बातें हैं, मैं ये शायद वैसे बहुत सारे जो प्लांट्स लवर है वो समझ सकते हैं मेरी इस बात को, मेरे प्लांट्स मुझसे चैट करते हैं और मैं अपने प्लांट्स से चैट करता हूँ, बातें करता हूँ, ये मुझसे शिकायतें करते हैं, जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो मैं इन पर नज़र डालता हूँ, इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने छेड़ा है, पानी की कमी है, तो ये मैं सिर्फ एक ग्लांस, फर्स्ट ग्लांस में मैं देख लेता हूँ, और वो मुझे सारी चीज़ें बता देते हैं कि अंदर ये चीज़ें, ये एक समझ ली, वैसे मैं कह रहा हूँ मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, ये वाकई ऐसे बैठा ऐसा कुछ है, क्योंकि जो बंदा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका आई थिंक ये कैफियत हो जाती है प्लांट्स को, या जो प्लांट्स होते हैं वो उससे बातें करने लगते हैं, ये उनसे बातें करते हैं, तो मैं अरे अब से नहीं बहुत पहले से कुछ ऐसे हैं, ऐसे वाक़ात है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा, बड़े इंटरेस्टिंग है प्लांट्स के से मुतालिक ही। ओके, आई थिंक वीडियो लंबी होती जा रही है अननेसेसरी, तो वंस अगेन थैंक यू वॉचिंग, और कमेंट्स दीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके थैंक यू।